तो स्वागत है हमारे चैनल वैंग्स गेमर्स में। तो आज हम बनाने वाले हैं अंडरग्राउंड बेस। तो इस बेस में हम देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें और कैसे हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलिएगा मत। तो गेम तो हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो देखते हैं अभी क्या क्या मिलता है अपने को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग है फ्लाई कर रहे हैं, तो पहले तो हम लोग को पहले सब देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ। अभी जगह तो मिल गया, तो अभी देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोगों को करना है। तो मैंने तो पहले बेस तो बना लिया है, तो अभी हम लोगों ने सब लाइट्स वगैरह लगा दिए हैं। तो अभी स्मूथ कॉटेज लगा रहे कि मतलब जिसके लिए अपना जो वॉल है उसका फिनिशिंग अच्छा आने के लिए, और ये डेकोरेशन भी उसमें अपना जो घर है वो अच्छा दिखना चाहिए, जो अंडरग्राउंड हाउस है वो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सब कॉटरेज लगा रहे हैं। तो फाइनली अपना ये बेस तो हो गया ऊपर से, तो अभी हम ऊपर से कवर कर रहे हैं। देन आगे जाएंगे तो अभी मुझे थोड़ा साइड से भी कवर करना है जो अपना कॉटरेज से। तो फाइनली हमारा कॉट्स का हो गया है, तो अभी हम लोग गोल्डन ओरे लगाने सोच रहे हैं। तो देखते हैं अभी क्या इसमें क्या क्या है। देखो मैं गोल्डन ओरे लगा दिया है, ये देखो हर एक मतलब हमारे जो वॉल है उसके एक फिनिशिंग अच्छा आना चाहिए, और उसका क्रॉसिंग वो भी हम लोग देख रहे हैं, मतलब डिज़ाइनिंग अच्छा आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग वो सिक्वेंसली लगा रहे हैं। देन अभी हमारा ये जो वॉल है वो देखो कैसा दिख रहा है, और एकदम स्टाइलिश और एकदम। तो आप भी ऐसे एक अंडरग्राउंड बेस बना सकते हो। तो दूसरी साइड भी हम गोल्डन ओरे लगा देते हैं, और जो हमारा फाइनल बेस बन रहा है जो वॉल का वो देख लो आप, देख लो कैसे दिख रहा है, ठीक है। देन अभी हम आगे जाए। तो दोस्तों अभी अब हम ऊपर जाते हैं और जो हमारा जो ड्रिट है वो उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग बाहर की साइड आ गए हैं ऊपर की साइड। तो अभी ये हम लोग देख रहे हैं क्या कैसे मैंने कवर कर लिया पहले से ही। तो अभी ये थोड़ा बहुत बाकी है वो कवर कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर से जाएंगे अपने अंडरग्राउंड बेस में, ठीक है। अभी मैं फिर से नीचे आ गया हूँ। तो अभी आप देख सकते हो हमारा जो बेस है वो कैसा बन गया है। मैंने बहुत सारे लाइट्स और लैंप्स लगा दिए, तो आप देख लो कैसा दिख रहा है। और दोस्तों अभी हम लगाने वाले हैं स्मूथ स्टोन, तो ये बिकॉज ऑफ हमारा जो वॉल है वो बहुत गंदा दिख रहा है, तो अभी वो स्मूथ स्टोन के लगाने के बाद वो एकदम क्लीन और एकदम चकाचक दिखेगा, ठीक है। तो अभी वो हम लोग पहले लगा के ले रहे थे, अभी जो ऊपर के साइड भी लगा रहा हूँ मैं, देखो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये साइड में भी लगा दिया मैंने, अभी आगे जाके फिर ये कॉर्नर पे लगा देते हैं। अभी जो हमारा जो बेस है उसको पूरा हम लोग कवर कर लेते हैं पहले, तो ये जो स्टोन से स्मूथ स्टोन से, और वो कवर होने के बाद फिर देखते हैं हम लोग का जो घर है और जो हमारा बेस है वो कैसा दिखता है, ठीक है। तो अभी मैं तो पूरा सब कवर कर रहा हूँ बेस, क्योंकि हमारा जो एकदम क्लीन और एकदम अच्छा लगे, ठीक है। अभी फाइनली ये तो दोस्तों अभी ग्राउंड साइड में भी हम स्टोन वॉल स्टोन जो अपना जो स्टोन है वो लगा देते हैं, और उसके बाद अभी देखते हैं। अरे अभी तो पूरा लाइट नहीं गया, अभी मैं थोड़ा लैंप्स लगा देता हूँ, क्योंकि हम लोग को जरा लगाने के बाद अभी हम लोग का जो घर है वो और जो हमारा अंडरग्राउंड बेस है वो ऐसा दिख रहा है, देखो आप देख सकते हो, ठीक है। ऊपर की साइड भी देखो, और ये साइड में ये जो अपना गोल्डन ओरे वाला जो वॉल है वो भी एकदम चकाचक दिख रहा है। तो अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा लालटेन लगा देते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं, अभी मैंने यहाँ पे एक दो जगह पे डाल दिया है, तो एकदम अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये जो लैंप है वो मैंने ये टॉर्च अपना बुझा दिया है, और वो लालटेन लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारे चाहे जो अंडरग्राउंड होम को और जो बेस को, ठीक है। तो ऐसे आप एक घर बना लो, और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, ठीक है। और कुछ भी आपको डाउट रहेगा या फिर कुछ रहेगा लेटेस्ट वर्जन के लिए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अभी आप ऊपर के साइड में देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग उस जो अपना सीलिंग है उधर हम लोग लगाने वाले ग्लास, तो हम लोग जो डे लाइट का जो लाइट्स है वो अंदर आने के लिए, और उसके लिए थोड़ा सा हम लोग जो ऊपर के साइड में थोड़ा ये करके ग्लास लगा देंगे हर एक साइड में, वो भी जो एरिया वाइज, ठीक है। अंडरग्राउंड बेस को कवर करने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग लगा रहे फेंसिंग, और बिकॉज ऑफ स्पाइडर और क्रीपर्स अंदर ना आने पाए, और हमारा जो अंडरग्राउंड बेस है वो एकदम सेफ रहे, तो हमने पूरा तो मैं अभी लगा दिया है, ये देखो आप देख सकते हो, ठीक है।
तो अभी मैं आपको मेरा जो अंडरग्राउंड बेस है वो आपको पूरा दिखाऊंगा। ये देखो, ये है मेरा अंडरग्राउंड बेस और ये बेड, यहाँ पे मैं लगा दिया एक स्टेयर्स, तो आप यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, ठीक है। देन वो हमारा जो सीलिंग है वो भी आप देख सकते हैं।